तमिलनाडु में लावण्या मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने न्याय न मिलने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मीडिया से रूबरू हुए। जिला संयोजक विद्यार्थी परिषद अंकित शर्मा ने कहा कि लावण्या मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां एक छात्रा को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा था और बाद में प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने खुदकुशी जैसा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिर शिक्षण संस्थाओं में इस तरह के मामले सामने आना बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस मामले को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन खड़ा कर रही है। साथ ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि शांतिपूर्वक मामले को लेकर विरोध जता रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को तमिलनाडु की सरकार ने हिरासत में ले लिया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने जल्द इस मामले में सुध नहीं ली तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और तमिलनाडु सरकार को एक बड़े आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। तो लावण्या का जो मामला है वो एक तमिलनाडु में एक ईसाई का स्कूल है सर, तो वहाँ पे जो लड़की पढ़ती थी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था कि वो अपना धर्म चेंज करें, परंतु उस लड़की ने अपना धर्म चेंज नहीं किया, जिसके लिए उसने ऐसा हुआ कि उसे मारा जाता था, पीटा जाता था, जबकि उसकी छुट्टी दी जाती थी, उस बच्ची को छुट्टी भी नहीं दी जाती थी। उसे बार बार फोर्स किया जा रहा था कि वो अपना धर्म चेंज करें, अपने धर्म को परिवर्तित करके ईसाई धर्म अपना लें। ऐसे स्कूल जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, मंदिर कहा जाता है शिक्षा का मंदिर, अगर ऐसे घटनाएं हमारे सामने आती रहेगी तो हम ऐसे इस पे क्या कर सकते हैं। तो विद्यार्थी परिषद इसके लिए बहुत प्रदेश स्तर पर ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र स्तर पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रही है। इसके लिए हमारे तमिलनाडु में हमारे कई कार्यकर्ताओं ने इसके लिए हमें आंदोलन किए, परंतु जो वहाँ की सरकार है उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया, जिसके लिए आज विद्यार्थी परिषद इस मंच के माध्यम से मांग करती है कि अगर जल्द से जल्द इसे ठीक नहीं किया गया, इसके लिए कोई ठोस कदम ना उठाया गया, तो विद्यार्थी परिषद के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का वो विद्यार्थियों का आक्रोश का सामना करने के लिए सरकारों को तैयार रहना पड़ेगा। अरे दीजिए ना, क्या कर रहे हैं आप? अरे यहाँ भी भूषण ज्वेलर्स? जी बिल्कुल, बहू जब लाखों में एक हो तो लाखों में एक ज्वेलरी ही चलेगी ना। बिल्कुल सही कहा। ये बात सही बोली। विश्वास की परंपरा और शुद्धता का मजबूत बंधन, अनमोल रिश्तों के लिए अनमोल आभूषण, भूषण ज्वेलर्स।